जय श्री राम दोस्तों, हम अभी भागलपुर जिला से अयोध्या पैदल यात्रा कर रहे हैं। भैया लोग भी अयोध्या से साइकिल यात्रा करके वापस भी आ चुके हैं। हमारे लिए गर्व की बात है, भैया भी राम भक्त और हम भी राम भक्त हैं। किस्मत में कहीं ना कहीं लिखा होगा हमको इनसे मिलना, और भैया हमको मिल भी गए और हम बहुत ज़्यादा खुश हैं। हृदय से धन्यवाद देते हैं, भैया भी राम भक्त हैं और बहुत ज़्यादा कोऑपरेट भी करते हैं यहाँ के लोग, कोई प्रॉब्लम नहीं है। भैया मेरा अपना नाम बताइए। मेरा नाम मनीष कुमार राम भक्त है। मैं यहाँ से 5 जनवरी को साइकिल लेके निकले थे और मैं 6 दिन में अयोध्या धाम पहुँचे थे, यानी 5 जनवरी को निकले, 11 जनवरी को अयोध्या धाम पहुँचे और 11 से लेके 23 जनवरी तक यही राम लक्ष्मी साइकिल से मैंने अयोध्या जी का चक्कर एक चक्कर मैंने घूमा है। और आके मैंने अपने समाज में राम राम धुनी का 24 घंटा मैंने राम धुनी यहाँ करवाए हैं, और बेगूसराय का जिला का एक एक साइकिल से यही राम लक्ष्मी साइकिल से मैंने एक एक गांव, एक एक जिला, एक एक प्रखंड मैंने घूमा है। और राम भक्त को आने वाले समय में अयोध्या धाम का रास्ता के लिए मैं उस पापी भी करता हूँ जो प्रभु के दरबार में जाके प्रभु से दर्शन करके और हमारे बिहार बेगूसराय जिला को अपार बनावे, और आने वाले समय में बिहार हमारे नमस्ते बिहार हो, जिसके मैंने नमस्ते बिहार का संकल्प लिए हैं। हमारे भाई जाने वाले अयोध्या जिला जो भी भाई हैं वो सब नमस्ते बिहार का संकल्प ले, वहाँ जाके कहे जो मेरा बिहार नमस्ते बिहार बने। आने वाले सरकार जितने भी हैं सब ढोंगी सरकार है, और जितने भी मेरे जनता भाई महा बहन हैं सबको ढोंग में फंसा के रखने वाले ये हत्यारे सरकार को हटाया जाए, और आने वाले समय में हमारे नमस्ते बिहार का आह्वान किया जाए, नमस्ते बिहार हुआ जाए। यही मेरा राम भक्त का, यही मेरा राम दरबार से आज्ञा है जब प्रभु मेरे बिहार को जल्द से जल्द नमस्ते बिहार बनाया जाए। जय राम सीताराम। अभी हम चल रहे हैं बेगूसराय जिला में, और कुछ देर में चल जाएंगे बरौनी में। अभी बरौनी रिफाइनरी ही पास कर रहे हैं, जिसमें बरौनी रिफाइनरी का एरिया है। तो हम आ गए हैं बरौनी जीरो माइल। बरौनी जीरो माइल से हम निकल रहे हैं आपका मुजफ्फरपुर हाजीपुर के रोड में, देख सकते हैं अभी। और आज हमको रुकना पड़ेगा आपका तलसीन सराय, नहीं आगे देखते हैं मुरली टोल से के आसपास बछवारा है, मैं आज स्टे करना पड़ेगा यहाँ से। बछवारा की दूरी है 23 किलोमीटर, अभी दिन के बज रहे हैं 12 के अप्रॉक्स, और हमको 23 किलोमीटर अभी और चलना है, तब मेरा रहने का व्यवस्था हो सकता है ठीक ठाक जगह पे। देखते हैं अभी कहाँ तक पहुँच पाते हैं। जय श्री राम, जय श्री राम। हम सांस ले रहे हैं श्री राम के बदौलत। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। आज हमारी जर्नी 4th दिन की चल रही है प्रभु श्री राम के दर्शन के लिए पैदल यात्रा में, वो भी आज हम बछवारा होल्ड करने का कोशिश करते हैं। देखते हैं अभी यहाँ से 23 किलोमीटर और है, कितना दूर चल पाते हैं। जाने प्रभु श्री राम। जय श्री राम दोस्तों। जय श्री राम भैया। और अभी हम बरौनी 0 माइल से तेगरा की ओर बढ़ रहे हैं, और यहाँ ढाबा पे भैया के पास रुके हुए थे हम थोड़ा देर में, भैया हमसे मिले हुए हैं। अभी अपना नाम बताइए। सुमित कुमार झा पंडित जी हैं। भैया जी के नाम सुमित कुमार झा, भैया साथ एक और आदमी हैं भैया रंजीत कुमार, हम मोतिहारी से हैं भैया। भैया मोतिहारी से हैं, रास्ते में बहुत ज़्यादा कोऑपरेट करते हैं सभी लोग, कोई दिक्कत नहीं है। आज मेरा यात्रा का चौथा। हर हर महादेव सभी भाई। हर हर महादेव, जय श्री राम सबको। हर हर महादेव, जय श्री राम।
और देख रहे हम यहाँ भी यहाँ रुके हुए शंकर पार्वती ढाबा लाइन होटल में भी रुके हुए हैं। कुछ देर यहाँ वेट करेंगे, रेस्ट करेंगे, उसके बाद फिर आगे अपने गंतव्य की ओर बढ़ेंगे। जय श्री राम भैया। ठीक है, हम चलते आ गए हैं तेगरा, और तेगरा के जस्ट अपोजिट साइड अभी जो देख रहे हैं मेरे साथ बगल में ही राज वाटर पार्क की जस्ट सामने अभी चल रहे हैं। और अभी हम दलसिंह सराय की ओर बढ़ रहे हैं और इस बार बहुत ही मज़ा आ रहा है, बहुत ही ज़बरदस्त कॉपरेट मिल रहा है हमको भी। देख लीजिए अभी हम दलसिंह सराय की ओर जा रहे हैं और ये रहा आपका राज वाटर पार्क का व्यू। बढ़ते हैं फिर आगे की ओर, देखते हैं कितना मजा आ रहा है इस बार। हाय एवरीबॉडी, हाउ आर यू? हम भैया के साथ हैं, भैया अयोध्या जा रहे हैं, इनसे मिले और ये आज राज ढाबा में आए हुए हैं, रुके हुए हैं। भैया चाय पिए हैं, कैसा चाय लगा भैया? चाय जबरदस्त था, उसमें कहीं को कंप्रोमाइज नहीं था और हर एक चीज़ साफ सुथरा व्यवस्था वहाँ पर रखा गया है और क्वालिटी के साथ मेंटेन किया गया है। आप लोग अगर इस एरिया में आते हैं तो विजिट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जय श्री राम। जय श्री राम। मिले हुए अभी हम बरौनी जीरो माइल में ही रुके थे और कुछ देर बैठे यहाँ पर जीरो और आगे के प्रसाद कर रहे थे। यह सब जो मिले हुए हैं अच्छा लगता है, रास्ते में बहुत कोऑपरेट करते हैं आदमी, सबको प्रॉब्लम। जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम। आपकी यात्रा मंगलमय हो। धन्यवाद भैया आपको भी। ठीक है, जय श्री राम। चल रहे हम आ चुके हैं फुलवरिया और अभी हम बेगूसराय जिला में ही घूम रहे हैं और आज बार हमको लगता है बेगूसराय जिला में ही घूमेंगे और हम यहाँ रुके हुए देख लीजिए अन्नपूर्णा भोजनालय, तो भैया का दुकान है, शॉप है और ढाबा भी है जनरल स्टोर के नाम से है। और जस्ट सामने देख लीजिए भैया का अन्नपूर्णा भोजनालय है और भैया के पास बैठे हुए थे बहुत देर, क्योंकि मेरा फोन डिस्चार्ज हो गया तो हम वीडियो एडिट नहीं कर पाए थे कल का और अभी तक डाल नहीं पाए थे अपने यूट्यूब चैनल पर, और उसको हमने एडिट भी कर लिया है और उसको कुछ देर हम पब्लिश भी कर देंगे सामने संध्या 4-5 बजे तक में। और मजे से हम बैठे हुए थे, थोड़ा सा बूंदाबूंदी बारिश भी हो रही है, हम भैया से आपको मिलवाते हैं। हम भैया के पास ही रुके हुए थे बहुत देर से, लगभग 1 से 1.5 घंटा भैया के पास बैठे हुए हैं। भैया हमको चाय पानी का भी करवा दिए हैं, खाना के लिए बोले चूँकि हम खाना खा नहीं पाएंगे, फिर खाना खाएंगे चल नहीं पाएंगे। भैया अपना नाम बताइए ना एक बार। मेरा नवल कुमार सिंह मेरा नाम। जगह बता दीजिए। ये NH-28 फुलवरिया बरौनी में है, राष्ट्रकवि रामधारी रामधारी सिंह दिनकर जी के धरती पे अभी हम घूम रहे हैं। ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है, हम इस धरा पे अभी तक घूम रहे हैं। और भैया का एड्रेस आपको दिखा देते हैं, फुलवरिया 28। अगर आप लोग इस रास्ते से गुजरते हैं, जो हमको देखते हैं, जो हमको जानते हैं, तो प्लीज़ भैया के एक बार यहाँ पर आके स्टोर पर या ढाबा पर विजिट कीजिए, बहुत ही अच्छा आपको रिस्पॉन्स मिलेगा। जय श्री राम। हे गाइस, अभी हम घूम रहे हैं बेगूसराय में ही और बरौनी एरिया में और मालती जियो पंप के पास हैं और भैया के पास हम रुके हुए थे। भैया हमको चाय भी ऑफर किए और पानी भी ऑफर किए हुए हैं, भैया का जस्ट भी है मस्त लगा हमको। अगर आप लोग कोई भी अगर मेरे व्यूअर हैं जो हमको देखते हैं, जो हमको जानते हैं, अगर इस रोड से गुजरिएगा तो हम आपको मालती रिलायंस का जियो पंप है जस्ट सामने में, जियो पंप है और भैया का सेटअप अभी तैयार ही हो रहा है क्योंकि नया नया ही खुला हुआ है और भैया बहुत ही ज़बरदस्त चाय पिलाए हुए हैं हमको। प्लीज़ आप लोग भैया को भी कोऑपरेट कीजिएगा, अगर आप लोग गुजरिएगा या एक बार जो इनको विजिट कीजिएगा। भैया जी का नाम राहुल कुमार जी हुए, एक बार प्लीज़ इसको विजिट कीजिए अगर इस रूप से आप लोग गुजरते हैं तो। जय श्री राम।